नमस्कार दोस्तों, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिस्किट का केक बनाएंगे। इसके पहले भी हमने बिस्किट का केक बनाया था, पर आज के केक की विशेषता यह है कि ये कढ़ाई में बनेगा और केवल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज जो केक हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर क्रीम बिस्किट ली है, ओरियो और सैंडविच बिस्किट। आप इसकी जगह बोरबोन बिस्किट या अपने पसंद का कोई सा भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं। हमें सारे बिस्किट्स को ग्राइंड करना है। इस तरह से तोड़ के हम मिक्सर में डालेंगे। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट का पाउडर रेडी हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ml दूध लिया है। पहले हम थोड़ा दूध ऐड करेंगे इसमें, लगभग 250 ml के करीब, और इसको एक बार अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर अभी थिक है। हम इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे। पहले मैंने 250 ml दूध डाला था, अब 100 ml दूध और हम इसमें डालते हैं। इसे एक बार और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर रेडी हो गया। 25 बिस्किट लिए थे हमने, जिसमें 350 ml के करीब हमने दूध यूज किया है। कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने। अब इसके ऊपर एक बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से ग्रीस हो गई। अब हम केक के बैटर में 1 टेबलस्पून इनो पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हमने रेगुलर इनो यूज किया है। 10 सेकेंड के लिए हम एक बार और मिक्सी को चला लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं। अब एक बार हम अच्छे से टैप कर लेंगे। कढ़ाई को कवर कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम केक को लो आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर एक जरूरी बात, 10 से 12 मिनट के बाद आप केक जरूर चेक करिए, क्योंकि सबकी कढ़ाई और गैस अलग अलग होते हैं। और अगर आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद है या टूटी फ्रूटी पसंद है, तो यहाँ पर इसी टाइम आप इसमें ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके भी पैन या कढ़ाई के कवर में इस तरह का होल है, तो यहाँ पर एक टिश्यू पेपर या पेपर लगा के इसे कवर करना मत भूलिएगा। 25 मिनट हो चुके हैं, हम केक चेक कर लेते हैं। कवर हटाएंगे और इस तरह से टूथपिक डाल के हम चेक करेंगे। टूथपिक एकदम क्लियर है, इसका मतलब हमारा केक हो गया है। गैस बंद करेंगे और केक को थोड़ा ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं। इस तरह से पहले साइड से इसे क्लियर करते हैं। अब इस तरह से कोई प्लेट या चॉपिंग बोर्ड लीजिए और इसे टर्न कर दीजिए। हल्का सा टैप करिए। केक रेडी। याद रखिए कि इसमें हमने शुगर नहीं ऐड की थी, क्योंकि बिस्किट में ऑलरेडी शुगर रहती है। पर अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप यूज करेंगे। अच्छे से स्प्रेड करिए। अब इसमें थोड़े से कलरफुल बॉल हम डालेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा और थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़े से कलरफुल बॉल स्प्रिंकल कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि केक काफ़ी स्पॉन्जी बना है। आप भी इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।